हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, वेरी नाइस। आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स 2, दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम्स की चर्चा करने वाले हैं। ऑलराइट, तो तुमने बारिश देखी होगी? हाँ सर, बारिश तो देखी, आजकल मौसमी बारिश वाला चल रहा है तो बारिश देखी होगी। हाँ, कभी कभी तुमने बारिश बिल्कुल वर्टिकली गिरती हुई देखी होगी, हाँ कि ना? हाँ सर, कभी कभी बारिश ऐसे टेढ़ी गिरती हुई नजर आती है, ऐसे ऐसे टेढ़ी नजर आ रही होती है, हाँ गया ना? बिल्कुल। और सोचो, मान लो कि हम लोग साइकिल पर जा रहे हैं ना, साइकिल पर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, हम लोग छाता ऐसे रख लेते हैं, ऐसे ये छाता रख लिया हमने। मान लो कि हम लोग स्कूटर पर जा रहे हैं, स्कूटर पर कई बार छाता हम लोग ऐसे रखते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा, तो ये छाता ऐसे क्यों रखा, कितने डिग्री पर एंगल पर रखा, इन सब की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। ओके, तो भाई जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और घंटी बजा दें। लेट्स टॉक अबाउट रेन मैन प्रॉब्लम्स। ठीक, तो एक तो तुम्हारी रेन की वेलोसिटी होगी ग्राउंड के फ्रेम में, है ना? ग्राउंड के फ्रेम में अगर तुम ग्राउंड पे खड़े होके देखो तो रेन जिस वेलोसिटी से गिर रही है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अब जब एक आदमी रेन को देख रहा होता है, जब एक पर्सन रेन को देखता है, तो पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम हो। अगर पर्सन चल रहा है तो पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कुछ और आ सकती है, हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आ रहा सर नाटा? बिल्कुल। तो जो वेलोसिटी पर्सन परसीव करता है, जो वेलोसिटी रेन की पर्सन को फील होती है, उसके हिसाब से अम्ब्रेला का एंगल रखा जाता है। चमका, सुनो, हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सिंपल इक्वेशन अपनी रिलेटिव मोशन की, उसके हिसाब से मैंने ये कह दिया, हाँ कि ना? ओके, सुनना आप, है ना? एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि रेन वर्टिकली फॉल कर रही है ऐसे, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। मान लो बंदा कुछ इधर की ओर भाग रहा है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, सो दिस विल बी सम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। एंगल वर्टिकल के साथ आ गया मान लो थीटा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू वी एम बाय वी आर। तो यहां से मैं बता दूंगा कि मेरे को अम्ब्रेला कैसे रखनी है, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो बंदे ने परसीव करी। तो बंदा अम्ब्रेला कुछ ऐसे रखेगा, ऐसे, अम्ब्रेला ठीक से नहीं बनी, कुछ ऐसे अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी अगर तुमने भीगने से बचना है। सर हम तो भीगना चाहते हैं, हम अम्ब्रेला नहीं लगाएंगे। तो भीग लो, मुझे क्या तकलीफ है। पर अगर तुम नहीं भीगना चाहते तो भाई साहब अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी, और वो ऐसे रखनी पड़ेगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन बिल्कुल वर्टिकल गिर रही है, पर तुम अम्ब्रेला ऐसे नहीं रखोगे, तुम अम्ब्रेला ऐसे रखोगे क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो रेन है वो टेढ़ी आ रही है। कितने एंगल से आ रही है, ये रहा, चमका सन्नाटो, बस यही इक्वेशन है। इसी से सारी कहानी समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन लेता हूं, मजर समझ में आएगा, देखना है ना। तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल विद विच अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड बाय मैन टू अवॉइड गेटिंग वेट। कह रहा है कि भाई साहब जो रेन है वो ऐसे गिर रही है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो मैन है वो जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। 6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो कह रहा है
फाइंड द एंगल विद विच अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड. देखो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो अम्ब्रेला तुम्हें ऐसे रखना पड़ेगा विद द वर्टिकल. विद द वर्टिकल में टेन थीटा विल बी इक्वल टू ये बाय ये इज इक्वल टू 3/5. सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.6. तो इस एंगल पे रखना पड़ेगा अगर तुमने गीला होने से बचना है. समझा? पक्का देख लो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा. अ मैन मूविंग विद 5 meters per second ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 meters per second. बंदे को लगा कि रेन वर्टिकली 10 से गिर रही है. ये बंदे के रिस्पेक्ट में है. बंदे को लगाइए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा हो. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहानी कुछ और हो सकती है. फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. हाँ तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ लिया. सुनना है ना. तो रेन वर्टिकली फॉल कर रही है बंदे के लिए. मैं ऊपर की ओर पॉजिटिव जे और राइट की ओर पॉजिटिव आई ले लेता हूं तो मुझे लगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लगा -10 j. ऐसा लगा ना. हाँ और मान लो कि बंदा राइट में जा रहा है. वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 i. ठीक. अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना. तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम. तो वी आर इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम इज इक्वल टू 5 i - 10 j. हाँ कि ना. बिल्कुल सर. इसकी डायरेक्शन बनाते हैं. पॉजिटिव में आई नेगेटिव में जे. ये इधर 5 इधर 10. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया. कितना है. अगर मैं ये थीटा निकालना चाहता हूं तो मेरे पास रेन का एंगल आ जाएगा विद द वर्टिकल और वो आएगा 10 θ = 5/10. थीटा इज इक्वल टू 10 inverse 0.5. आ गया ना. ओके अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 10² यानी कि 100 + 5² यानी कि 25 इज इक्वल टू 5√5 m/s. कहानी समाप्त. भाई साहब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हारी रफ्तार आ गई रेन की और एंगल भी आ गया. असलियत में रेन टेढ़ी गिर रही थी. जब बंदा चला तो बंदे को लगा बिल्कुल वर्टिकल गिर रही है. अरे कहानी ये है बस. समाप्त. हाँ कि ना. अब तुम सोच रहे होगे सर जी आपको क्या पता कि बंदा राइट में चल रहा था. क्या पता बंदा -i में चल रहा हो. हाँ कि ना. बिल्कुल हो सकता है. तो माइनस ले लेना. यहां पे तुम्हारा माइनस आ जाएगा. ये जो तुम्हारा ये ऐसे टेढ़ा बना ये ऐसे बन जाएगा. थीटा तुम्हारा फिर भी वही आएगा और ये वेलोसिटी स्पीड जो आएगी रेन की फिर भी वही आएगी 5√5 ही आएगी. बस यही है. अरे रेन मैन प्रॉब्लम को इसको तो थोड़ी ना. अगर तुमने 2D पूरा पढ़ लिया रेन मैन क्या बड़ी बात है. जो उसकी एप्लीकेशन है. छोटी सी बात है. ठीक समझ में आ रहा. पक्का देख लो. ऑलराइट. तो जो भी तुम्हारे बुक्स में क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल्स में जो भी क्वेश्चन है तुम लोग उनकी प्रैक्टिस करो. मजा आएगा. रेन मैन प्रॉब्लम्स कोई टफ चीज नहीं है. है ना. आराम से प्यार से कर लेना. चलो फिर यही समाप्त करते हैं. यहां पे काइनेमेटिक्स 2 अपना समाप्त होता है. हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक. तो LM में काफी मजेदार चीजें आएंगी. वो पुली बंदर चढ़ गया रस्सी के ऊपर रस्सी आ गई नीचे पुली घूम गई वो सब बातें करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में. और फ्रिक्शन विक्शन की बातें भी होगी. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो. ठीक. तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास से. यहां पर अपना ये चैप्टर समाप्त. तो जो सन्नाटे नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें. टेलीग्राम का चैनल इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन करें ताकि अपडेट्स मिलती रहे. चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टाटा.